लालच बुरी बला है जो बरसों के विश्वास को खो देती है। ऐसा ही एक मामला रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र में सामने आया है। लगभग 20 दिन पहले रुड़की कोतवाली क्षेत्र सिविल लाइन में बंद पड़े एक आर्किटेक्ट के मकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई थी, जिसमें आर्किटेक्ट द्वारा रुड़की पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई थी। उक्त घटना का खुलासा आज हरिद्वार एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में किया। खुलासे में एसएसपी ने बताया कि आर्किटेक्ट के मकान से चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि बरसों से उनके घर में काम करने वाला उनका नौकर है, जिसने उक्त मकान से लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को कामयाबी उस समय हाथ लगी जब एसएसपी के साथ निर्देश पर सीआईयू व रुड़की कोतवाली पुलिस की एक टीम गठित की गई। टीम ने घटना के खुलासे के लिए प्रयास किए तो शक की सुई नौकर पर घूमने लगी। नौकर से गहनता से पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आ गया। एसएसपी ने बताया कि पकड़ा गया नौकर आर्किटेक्ट का विश्वसनीय व्यक्ति था और काफी समय से उनके घर काम कर रहा है। मालिक और नौकर के बीच बेहद अच्छे संबंध थे, लेकिन लालच में आकर नौकर ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसका पछतावा नौकर को हो रहा है। पुलिस ने आरोपी नौकर के पास से 7,15,000 की नकदी और जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। व्यवसायी के यहाँ पर चोरी हो गई थी, तो चोरी की उसने फिर यहाँ पर थाने में कंप्लेंट करी, तो उसमें मेरे द्वारा सीओ रुड़की के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें के एस ओ जी के सी लड़की थी, तो इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि शुरुआत से हमको शक था कि घर का ही कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा ये चोरी कार्य की गई है। तो गहन पूछताछ के नतीजे आज हमने इस केस का खुलासा किया है, घर का ही एक नौकर है जिसके द्वारा ये चोरी की गई थी। लगभग हमको 10 लाख रुपए का सामान, जिसमें कि 7.5 लाख के करीब नकदी है, इसके अलावा जो सामान है वो बरामद हुआ है। देखिए, अभी तो इसमें अभी हमको पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर कोई क्रिमिनल इतिहास है तो उसका भी बहुत जल्दी देखिए। बेसिकली टीम का हार्ड वर्क है, एसओजी का हार्ड वर्क है, और इसमें इंटरोगेटर और इंट्रोगेशन काफ़ी अहम भूमिका रही कि उन्होंने लगातार परसिवियरेंस से धैर्य रखा, जिसके कारण आज इस केस का खुलासा हम कर पाए।